लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। बीजेपी ने इस बार अपने संकल्प पत्र की थीम भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 साल की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। वहीं उन्होंने मुफ्त राशन योजना को भी अगले 5 सालों तक बढ़ाने की बात कही है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने ज्ञान पर फोकस किया है, जिसका अर्थ गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति से है। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र के जारी होने के बाद विपक्ष ने उस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस घोषणा पत्र से साफ होता है कि बीजेपी के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर बीजेपी ने चर्चा तक नहीं की। इंडिया का प्लान बिल्कुल साफ है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला है, अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पुरानी गारंटियों के लिए कोई जवाबदेही नहीं है, कोरे बयानबाजी है। मोदी की गारंटी जुमलों की वारंटी के जैसी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 2014 के अपने घोषणा पत्र में मोदी ने एक विशेष कार्यबल बनाकर काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय आए चुनावी बॉन्ड। खेड़ा ने दावा किया कि उन्होंने पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का भी वादा किया था, लेकिन आज मणिपुर में हिंसा जारी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने वादा किया था कि विशेष पैकेज के जरिए 100 जिलों से गरीबी खत्म की जाएगी, लेकिन भूख सूचकांक के आंकड़े हकीकत बयां कर रहे हैं जो सबके सामने हैं। वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं है, सिर्फ इधर उधर की बातें हैं। बिहार के लिए कुछ नहीं है, बिहार की गरीब जनता के लिए कुछ नहीं है, बिहार के विशेष दर्जे को लेकर कुछ नहीं है, महंगाई पर घोषणा पत्र में कुछ नहीं है। फिलहाल इस बार मोदी की गारंटी का कितना असर होगा, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे।